सिर्फ एक बार नहीं। हम इंसानों ने जब भी प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाया है, हम हमेशा दो कदम पीछे ढकेल दिए गए हैं। और हम इंसान अपने स्वार्थ के नशे में इतने चूर हैं कि हम अपने पिछले सभ्यताओं के अस्तित्व को मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं। उनकी गलतियों से सीखना तो दूर की बात। हम आज भी यही सोचते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में आधुनिक मनुष्य ही एकमात्र एडवांस स्पीसीज है, पर कई सबूत ऐसे हैं जो कुछ और ही कहानी कहती है। कौन थे ये एडवांस सिविलाइजेशंस जो हमारे पहले इस धरती पे थे, और क्या हुआ उनके साथ कि उनका अस्तित्व ही हमेशा के लिए इस धरती से मिट गया। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें राइट साइड में जो लैंडमास दिख रहा है वो अंटार्कटिका है, जो करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 1800s में डिस्कवर किया। उसके पहले हमें अंटार्कटिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि हमारे पास अंटार्कटिका तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। लेकिन फिर भी 1800 से 300 साल पहले ओरंटियस फीनियस के मैप में ये मौजूद है। शॉकिंग पार्ट तो ये है कि ये मैप कई पुराने मैप्स का रेफरेंस लेके बनाया गया था जो और 300-400 साल पीछे तक जाते हैं। इसलिए कई स्कॉलर्स मानते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन से पहले भी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशंस इस धरती पे थी जिन्होंने पूरे दुनिया को मैप किया था। दुनिया के विभिन्न प्रांतों में इन एडवांस सिविलाइजेशंस को कई नामों से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इन सिविलाइजेशंस का अपना कॉन्टिनेंट था जहाँ ये फल फूल रहे थे। उनमें से एक सिविलाइजेशन थी अटलांटिस। अटलांटिस की सभ्यता की कहानी मेनली ग्रीक सोर्सेस से मिलती है, जहां विशेषज्ञ कहते हैं कि साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स की खोज अटलांटिस के लोगों ने ही की। ये सिविलाइजेशन हमसे इतनी ज्यादा साइंस में आगे थी कि इन्होंने अपने जीवन काल को 800 साल तक बढ़ा लिया था। इनके पास न्यूक्लियर पावर से लेकर वेदर कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी तक थी। इनकी साइंस इतनी एडवांस थी कि ग्रीस के लोगों को ये जादुई शक्तियां लगती। इनके शहर के डिजाइन्स तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज से 10,000 साल पूर्व अटलांटिस समुन्दर में कहीं गायब हो गया, और ये सब उस समय हो रहा था जब मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन बस गुफाओं में बैठ आग जलाने योग्य ही थी। अटलांटिस से मिलती जुलती एक और कहानी म्यू की है। म्यू का कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में कहीं था। वो ईस्ट में ईस्टर आइलैंड से लेके वेस्ट में जापान तक फैला था। रिसेंटली चर्चाओं में रहा योनागुनी मॉन्यूमेंट इसी कॉन्टिनेंट में बसे सिविलाइजेशन का सबूत है। योनागुनी मॉन्यूमेंट समुन्दर के नीचे धसा हुआ एक प्राचीन शहर है जो आज से लगभग 10,000 साल पहले समुन्दर में समा गया। इस शहर में पिरामिड, स्टेडियम, महल से लेके आधुनिक सड़कें तक होने का सबूत मिलता है। माइक्रोनेशिया का नान मडोल म्यू कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट था। नान मडोल पे ज्वालामुखी के पत्थरों से बनाए ढांचे पाए गए, जिन्हें किसने बनाया या कैसे बनाया हमें नहीं पता, लेकिन जिस भी सिविलाइजेशन ने इसकी रचना करी थी वो हमसे हजारों वर्ष आगे थे। हम भारतवासी भी अपनी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बताते हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते थे। भारत में भी ऐसी ही एक सभ्यता की बात पुराणों में की गई जो उस समय के बाकी भारतवर्ष से कई आगे थी। ये थी कुमारी कंदनम में बसी सभ्यता। कुमारी कंदनम का जिक्र स्कंद पुराण और तामिल महाकाव्य सीलापत्तिकारम में मिलता है, जो आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी। इन किताबों में एक प्राचीन राज्य की बात की गई है जो आज के कन्याकुमारी से स्टार्ट होके वेस्ट में मैडागास्कर से लेके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया तक फैली थी। इस राज्य में कुमारी नदी बहा करती थी जिससे इसका नाम कुमारी कंदनम पड़ा। ये पांड्या राजाओं द्वारा शासित राज्य था जिन्होंने हजारों वर्षों तक यहाँ शासन किया। लेकिन ये राज्य भी आज से 10,000 साल पहले पृथ्वी के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो गया, और हम सब इसके बारे में भूल गए। पर ये कॉन्टिनेंट एक बार और चर्चाओं का विषय बना, पर इस बार अंग्रेजों की वजह से। 1864 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट फिलिप स्क्लैटर को मैडागास्कर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में लीमर्स के फॉसिल मिले जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच कोई कॉमन जमीन नहीं है, और ना ही लीमर्स को तैरना आता है। फिर सेम स्पीसीज दुनिया के अलग अलग जगहों पे एक ही समय कैसे विकसित हो सकती थी? ये बस तभी पॉसिबल था अगर ये तीनों जगह एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हो।
और इसी कनेक्टिंग कॉन्टिनेंट को स्क्रैटर ने नाम दिया लुमेरिया। जब इस थ्योरी पे खोज करते हुए ब्रिटिश रिसर्चर्स तमिलनाडु पहुंचते हैं तो उन्हें कई लोक गीतों में इस कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है, पर कुमारी कंदनम के नाम से। लेकिन आज से 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया के विभिन्न प्रांतों से इन एडवांस सिविलाइजेशंस का खात्मा हो गया। आज से 12,000 साल पहले पृथ्वी धीरे धीरे आइस एज से निकल रही थी। उसका टेम्परेचर भी वापस नॉर्मल हो रहा था, लेकिन अचानक से दोबारा पृथ्वी का टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर जाता है और ये हजार वर्षों तक ऐसा ही रहता है, जिसकी वजह से समुन्दर के पानी का लेवल 400 फीट तक बढ़ गया और इसी पानी ने सभी प्राचीन सभ्यताओं को अपने में समा लिया। इस इंसिडेंट को यंगर ड्रायस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक क्यों चेंज हुआ था, इसके कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कारण है एस्ट्रॉइड। कहा जाता है इस समय कई एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए थे जिन्होंने इस विध्वंस को शुरू किया। इसके प्रूफ्स भी हमें कई जगहों पे मिले हैं। साइंटिफिक प्रूफ्स के अलावा दुनिया के विभिन्न प्रांतों के लोक कथाओं में भी इस इंसिडेंट का जिक्र बार बार आता है। अब्राहमिक रिलीजियंस में नोआ की कहानी कही जाती है, जिसने इस समय आए बाढ़ से बचने के लिए एक विशाल काय जहाज का निर्माण किया और इस जहाज को पृथ्वी पे मौजूद हर जानवर के जोड़े से भर दिया। जानवरों के अलावा नोआ बस अपने परिवार के लोगों को ही इस जहाज में ले जा सकता था। इन्हीं जानवरों और नोआ के परिवार ने एक बार फिर बाढ़ के बाद पृथ्वी को आबाद किया। क्यों, ये कहानी जानी पहचानी लग रही है? हमारे भारतवर्ष में भी ऐसी ही कहानी मनु की है, जहां भगवान ने मत्स्य अवतार में आके मनु और सप्त ऋषियों को इस प्रलय से बचाया था, जिन्होंने दोबारा बाढ़ के बाद मानव सभ्यता की पृथ्वी पर स्थापना करी। केवल यही दो कहानी नहीं, इस कहानी के मल्टीपल वर्जन दुनिया के लगभग हर कोने में प्रचलित है, जापान से लेके इजिप्ट तक। इन सारी कहानियों में यही कहा जा रहा है कि आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले भी एक सिविलाइजेशन थी जो हमसे कई ज्यादा एडवांस थी, लेकिन पृथ्वी पे अचानक आए आपदा के कारण उनका विनाश हो गया और उनमें से कुछ चुनिंदा बचे लोगों ने फिर से मानव सभ्यता को प्रारंभ किया। लेकिन बाकी कहानियों और भारत में प्रचलित कहानी में एक बड़ा अंतर है। बाकी दुनिया मानती है कि ये घटना बस एक ही बार हुई है, लेकिन हिंदू ग्रंथों के हिसाब से ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है। हर एक युग के अंत में होती है और फिर से होने वाली है। हिंदुओं ने पृथ्वी पे समय को चार युगों में डिवाइड किया है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, और हर एक युग की शुरुआत पिछले युग के विनाश से ही होती है। इस वक्त हम कलयुग में हैं, जो द्वापर के विनाश के बाद प्रारंभ हुआ, और द्वापर युग के एडवांस सिविलाइजेशन के विनाश की कहानी शायद आप सबको पता है। ये थी द्वारिका की कहानी। द्वारिका में बसी सिविलाइजेशन की रचना स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। ये सिविलाइजेशन भी अपने समय से कई युग आगे थी और आस पड़ोस के राज्य के लोग इसकी तुलना स्वर्ग से करते थे, लेकिन ये सभ्यता भी उसी डेट पे सागर में विलुप्त हो गई। आज से 10,000 साल पहले की डेट। इन पौराणिक गाथाओं को सुन के आपके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक होगा कि अगला मास एक्सटिंक्शन इवेंट या प्रलय कब होने वाला है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, पर संजोग से पृथ्वी के सारे सभ्यता और धर्म ये तो मानते हैं कि करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन का विनाश तो होके ही रहेगा, लेकिन कब नहीं पता। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कलयुग का समय 4,00,000 वर्ष के आसपास का है, लेकिन ग्रंथों में लिखे वर्ष का मेजरमेंट हमारे इस्तेमाल किए साल की समझ से काफी अलग है और ना ही हमें ग्रंथों के वर्ष का एग्जैक्ट मतलब पता है, इसलिए हिंदू ग्रंथों का हम इसमें सहारा नहीं ले सकते। दुर्भाग्य से मॉडर्न साइंस भी इसमें हमारे कोई काम नहीं आती, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले कुछ हजार वर्षों में इस विनाश का आरंभ हो जाएगा। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग से लेके न्यूक्लियर वॉर तक हो सकता है, लेकिन कारण कुछ भी हो अंत तो निश्चित है। कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर हमने अभी तक अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं ली और हम इस काल चक्र को बार बार दोहरा रहे हैं। इंसान इस बार भी कोशिश करेगा सीखने की नहीं भागने की, और अगर पृथ्वी हमारे साथ इतनी कठोर है शायद दूसरे ग्रह ना हो। अगर आपको ये जानने की इच्छा हो कि इंसान कैसे इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ने के फिराक में है, तो नीचे दिए गए वीडियो पे जरूर क्लिक करें।